तो गांव में आज महाउत्सव मनाया जा रहा है और अभी उसकी तैयारी चल रही है। राम जी के अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए हमारे गांव में महाहवन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी पकौड़ी बना रहे हैं। वो हमारी देवियां हैं जिन पे देवता प्रकट होता है, द्रौपदी, काली और सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। और आज हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए इतने गर्व की बात है, हमारे राम जी अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उनके भव्य मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा है, तो सारे भारतवर्ष में आज खुशियां मनाई जा रही है, त्यौहार मनाया जा रहा है। तो हमारे गांव में तो पांडव लीला हो ही रही है, तो गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि गांव के मुख्य मंदिर नरसिंह देवता के मंदिर में आज हम ये कार्यक्रम का संचालन करें, इसका आयोजन करें। और गांव के लोग थोड़ी देर में मंदिर परिसर में इकट्ठा होंगे, वहां पे त्यौहार बनाया जाएगा, भजन कीर्तन गाए जाएंगे। इतनी खुशी की बात है जो कि सालों बाद पूरी हुई है। बहुत इंतज़ार हमने इस मंदिर के निर्माण के लिए किया है और फाइनली आज राम जी अपने मंदिर में जाएंगे, तो इससे खुशी की बात हम भारतवासियों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और मैंने भी सुबह स्नान करके अपने घर में राम जी के नाम का एक दीपक जला लिया है, बाकी रात को भी दीपक प्रज्वलित करेंगे। अभी दिन के करीब 1 बज गए हैं। जैसा कि मैंने सुबह को बताया था कि हमारे गांव में आज आयोजन होना है, तो अभी इसकी तैयारी चल रही है मंदिर के ऊपर। गांव के कम ही लोग मंदिर परिसर में आए हैं और जो लोग आए हैं वो तैयारी कर रहे हैं आज के महाप्रसादी। यहाँ पे हलवा बन रहा है, फलार बन रहा है, जो कि गांव के लोग तैयार कर रहे हैं और ये सारे लोगों में बांटा जाएगा। और जब हवन स्टार्ट होगा तो गांव के सारे लोग आएंगे हवन में शामिल होने के लिए। और हवन के लिए जो जौ और तिल का प्रयोग किया जा रहा है वो गाँव के हर एक परिवार के यहाँ से यहाँ पे आया है। और यहाँ पे पांडव लोग हवन में शामिल होंगे और साथ में गाँव के अन्य लोग भी। और जो फलार बनाया था बुड्ढी जी दे रही है पांडव पशु लोगों के लिए और उसके बाद ये सब लोगों में बांटा जाएगा। तो गांव में आज महाउत्सव मनाया जा रहा है और अभी उसकी तैयारी चल रही है। यहां पे खीर बनाई जा रही है महाप्रसाद के लिए और यहां पे पूरी और पकौड़ी। और जो पूरी पकौड़ी बना रहे हैं वो हमारी देवियां हैं जिन पे देवता प्रकट होता है, द्रौपदी, काली और सभी लोग। अभी भगवान नरसिंह देवता नर रूप में प्रकट हो रखे हैं और जो हमारे गांव में पांडव लीला हो रही है उसके लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। बाकी आज के जो कार्यक्रम है, जो महावन होना है, उसके लिए भी निर्देश दे रहे हैं। झंडी यहां पे लगाई जानी है राम जी की, उसके लिए बता रहे हैं। नरसिंह देवता के मंदिर के ऊपर राम जी की घंटी गिर चुकी है और भगवान जी उस समय ढोल पे प्रकट हुए थे। बाकी अब पांडव देवता महाहवन करेंगे, जो कि राम जी के लिए ही रखा गया है। आज अयोध्या में उनका विराजमान हुआ है तो हमारे गांव में उनके लिए महाहवन किया जा रहा है। तो सबसे पहले पांडव देवता पे देवता प्रकट कराया जाएगा हवन के लिए और हवन में ना सभी लोग शामिल होंगे, गाँव के लोग भी और पांडव पशुआ भी। Ah
हमारे बारे में बताओ सभी लोग नौती के लिए जो है दो तीन आदमी लेकर के सभी लोग गांव में जो महावन आयोजित किया गया था अभी उसका समापन भी हो गया है। गांव वालों ने भगवान जी राम जी की स्तुति आरती भी कर ली है। बाकी अब जो प्रसाद है वो लोगों में वितरित हो रहा है और इसके बाद जो महाप्रसाद होगा वो सब लोगों में बांटा जाएगा। और अभी सब लोग ना प्रसाद के लिए जा रहे हैं, प्रसाद मंदिर में बना लेकिन वो बांटा बाहर जाएगा क्योंकि मंदिर में अभी पांडव नृत्य का आयोजन होगा। आज का जो महाप्रसाद था वो सब में बंट रहा है और गांव के सारे लोग लाइन से बैठे हुए हैं और प्रसाद में ना हलवा पूरी और खीर बनी थी तो सभी गांव के लोग खा रहे हैं और हम कब खाएंगे। और हम बांटने के लिए आए थे लेकिन कुछ लोग यहां पे पहले ही बांट रहे हैं तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब थोड़ा खाली हो और हम भी इस प्रसाद को ग्रहण कर अपने घर की ओर आए हैं ना। अभी शाम के करीब 7 बज गए हैं और मैंने अपने घर पे शगुन के साथ दीपक प्रज्वलित कर लिए है। हमारे देश के लिए नहीं बड़ी बात है, इतनी गर्व की बात है और मैंने अपने पूजा घर में पूजा भी कर दी है। बाकी आज मंदिर पे भी दीप प्रज्वलित होंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि सुबह से लगातार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। गाँव में खूब कार्यक्रम हुए थे इस आयोजन के लिए और महाहवन हुआ था राम जी के अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए। हमारे गाँव में महाहवन का आयोजन किया गया जिसमें सारे गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और भजन कीर्तन भी हुआ। बाकी अभी मैं इन दीप को रख लेता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और अब पांडव नृत्य का और जो मंदिर के ऊपर होगा और कार्यक्रम वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राम जी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।